जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। शगुन, so funny. शगुन, I just fail to understand कि कोई इतना stupid कैसे हो सकता? I mean, अपने बच्चों के पासपोर्ट के लिए इतने पापड़ बेले और अपना पासपोर्ट चेक ही नहीं किया तुमने? Wow. उस दिन तो मेरे प्लान से बड़े इंप्रेस हो रहे थे, बहुत प्यार आ रहा था मुझ पर, और अब मुझसे एक छोटी गलती क्या हो गई? सुना रहे हो? Really? ये सिख। दादा, लेकिन शगुन, जो दोबारा तुम पर आ रहा था ना, उसे प्यार नहीं कहते। Anyways, तुम्हारी स्टूपिडिटी की तो दाद देनी पड़ेगी, लेकिन मैडम आपको अब कुछ करना पड़ेगा। इस पासपोर्ट और वीजा के चक्कर में हम एक हफ्ता डिले हो गए, और उस स्कूल टीचर ने इशिता को कह दिया है कि ट्रिप 2-3 दिन में है। What are you gonna do now? हम इशिता से क्या कहेंगे? Relax, Shagun, relax. I've got it under control. हम उस स्कूल टीचर को कहेंगे कि इशिता को फोन करे, उसे कहे कि पोस्टपोन हो गया है ट्रिप थोड़ा सा। That's it. और क्या कह सकते? Don't worry, mocktail है, पी सकते हो। पंजाबियों को इस चीज की कोई नर्वसनेस नहीं होती। Really? ठीक है, पंजाबी वाली मंगा देता हूँ। अरे नहीं, it's okay. Don't worry. Actually, बाला अन्ना ने मुझे काफी कहानियां सुनाई हैं, फेमस अय्यर और भल्ला फाइट्स के बारे में, लोडेड और अनलोडेड कोला को लेकर। सिमी, you okay? हाँ, I'm fine. वो बस यूँ। तो अपने बारे में कुछ बताता हूँ। एक सेकंड, वो अनन्या की ना दवा का टाइम हो गया, मैं बस इशिता को इन्फॉर्म कर दूँ। इट्स ओके। हाँ मम्मा, आप प्लीज इशिता को बोल दोगे अनन्या को दवा दे दे, उसका टाइम हो गया। हाँ हाँ, ओके मम्मा, आई एम सो सॉरी। नो प्रॉब्लम। अपने बारे में बताइए, पढ़ाई कहाँ से की? दिल्ली यूनिवर्सिटी। अनन्या के दूध में आज हल्दी डलनी है, मैं बस नीलू को इन्फॉर्म कर दूं। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, मैं भी फोन कॉल करके आता हूँ। हाँ नीलू। हेलो। हेलो इशिता। देखा गिफ्ट मैंने, सो स्वीट यार। तो मैनेज कर लोगी ना? ऑफ कोर्स, इंस्टॉल भी हो चुका है वो, रेडी टू यूज। हाँ परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू, ओके बाय। हाँ ओके, आई एम सो सॉरी, मैंने अनन्या को कभी अकेला ही नहीं छोड़ा, तो थोड़ी घबराहट हो रही थी। मैं समझ सकता हूँ। आप अपना फोन देंगी? फोन? यस। ओ वाओ, फूड भी आ गया, अब हम जल्दी से फ्री हो जाएंगे और जल्दी से घर चले जाएंगे। जी नहीं, हम घर जल्दी बिल्कुल नहीं जाएंगे, अब आप अपना फोन दीजिए। पर वो देखिए, अगर स्विच ऑफ हो गया तो? मैं ध्यान रखूंगा, ऑफ नहीं होगा, मुझे सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना है, इट टेक 1 मिनट। ये अनन्या। अरे मम्मा बाय। हाय मम्मा। देख देख अनन्या, मम्मा। वो आपको देख नहीं सकती, बट मगर ये सब कैसे? आई मीन हाउ? एक्चुअली सिमी, मुझे पता था कि अनन्या के बिना तुम्हारा दिल नहीं लगता, इसलिए मैंने इशिता को एक कैमरा इंस्टॉल करने के लिए दिया था, जिसे आप अनन्या को फोन में देख सकते हैं, इसलिए आप जब भी बाहर जाएंगी अनन्या आपके साथ होगी। कम से कम टेक्नोलॉजी का कुछ तो फायदा हुआ, अब हम बातें कर सकते हैं, कहीं जा भी सकते हैं, और अनन्या हमारे साथ होगी और सेफ रहेगी। ये तो है। तो मैं आपको अपने कॉलेज के बारे में बता रही थी। हरम बहुत गंदा आदमी है, वो इतना इजीली पेपर पे साइन नहीं करने वाला, और यीशु ने संतोषी को कुछ बोला नहीं है।
लेकिन रोमियो उसके साथ गया है, वो उसे कुछ नहीं होने देगा, सो यू डोंट वरी। मद्रासन, इशिता किथे? वो ना क्लिनिक में ना घर पे, मैं समझी इधर बैठी होगी। स्कूल में गई है। कोई? अभी तो बच्चों की छुट्टी होने में 2 घंटे पड़े। जब तेरे से झूठ नहीं बोला जाता तो कोशिश क्यों करती है? और बताना की गाले किथे गई है वो। इशिता जी, आपने यहाँ पर आने की तकलीफ क्यों की? अरे आपने बुलवाया होता, हम खुद चले आते। अरे कोर्ट ने मुझे सिम्मो और मेरी बेटी से मिलने के लिए मना किया है, हम आप तो करीब आ सकते हैं। घटिया मुंह बंद करो, पेपर साइन कर। रोमी, कोई मतलब नहीं इसके मुंह लगने का। साइन करो पेपर्स। अरे इतनी भी क्या जल्दी है इशिता जी? अब आप यहाँ पर आई हैं तो थोड़ा सा हमारी भी तो हालत पे गौर फरमाइए। अरे इशिता जी, लोग सही कहते हैं आपको बच्चा चोर। पहले आपने वो शगुन जी के बच्चे को उनसे दूर कर दिया, अभी आप मेरी बच्ची को मुझसे दूर करके। प्लीज शट अप। साइन करोगे पेपर या नहीं? हाँ, ये तो गलती करती हैं आप। जोर जबरदस्ती से कुछ होता नहीं है शिता जी। जबरदस्ती तो अभी तक हम लोगों ने की ही नहीं है, प्यार से कह रहे हैं साइन कर दो चुपचाप। इशिता जी, आपको क्यों लगता है कि इतनी आसानी से मैं ये पेपर साइन कर दूंगा? आ गया औकात पे। अब बोलो, अनन्या को छोड़ के कुछ भी मांगो। अनन्या किसको चाहिए, रखो ना आप उसको, वो तो सिर्फ एक बहाना था आपको यहाँ तक लाने का। आप मुझे बस 60 लाख रुपए दे दो। क्या घटिया आदमी है यार, 60 लाख? हाँ तो कौन सा ज्यादा है? अरे सिमी की रिहाई के लिए बहुत छोटी रकम है ये, और वो भी रमन भल्ला भी बहुत बड़ा आदमी बन गया है वो। अभी उसने अशोक खन्ना की कंपनी को टेक ओवर किया। 60 लाख क्या है उसके? आप दो, आप भी आजादी से जियो, वो भी आजादी से जिए, हम भी आजादी से जिए। क्या करेंगे हम इतने पैसे, कहाँ से अरेंज करेंगे अभी? भाभी कुछ तो, अरे भाई को क्यों ना बोले हम? रमन को बोलेंगे तो वो तो कर भी देंगे, लेकिन अभी भी तो बिजनेस शुरू किया, और वैसे भी यार परम हमें ब्लैकमेल कर रहा है, राइट? एंड दिस इज नॉट द वे। आज उसको पैसे निकाल के देंगे, कल के दिन और डिमांड करेगा वो। आप तो ठीक बोल रहे हो, लेकिन तब भी भाई को बोलना चाहिए हमें शायद। क्या बोलते हो? सोचने दो मुझे कुछ। अच्छा सुनो, मैं पहले तो बच्चों को लेकर आती हूँ स्कूल से। मम्मी जी को बता दो घर जाके तुम, ठीक है? मैं स्कूल जा रही हूँ। आप भूल गए ना? क्या? आज आपको प्लास्टर उतरना है। अरे हाँ, आप टेंशन मत लो। हाँ मैं उनको लेके आता हूँ, आप आराम से जाके प्लास्टर उतारो। अरे ऑटो ऑटो, अरे क्या आदमी है। भी बताती। इन दोनों को तकलीफ होने नहीं चाहिए। ओ हीरो, हाँ तू समझता क्या अपने आप को? हाँ क्या समझना चाहिए? मुझे क्या लगता है, लड़की देखेगा तो छेड़ेगा, सीटी मारेगा? हाँ मैं लड़की छेड़ूंगा? क्यों, तू लड़का नहीं है, तू आसमान से टपका है, तू लड़की छेड़ नहीं सकता। तुम जैसे लड़के है ना, तुम जैसे लड़के जिन्होंने दिल्ली के सारे लड़कों का नाम खराब करके रखा है। लेकिन एक बात समझ ले, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो चुपचाप सहेगी, समझा ना? ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि तू सीटी बजाने के लायक नहीं रहेगा, समझा? देखिए मैम, तुम देखो, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ वो बिचारी टाइप की जो ये सब बुलशिट ना बर्दाश्त करेगी। और तुझ जैसे लड़के हैं ना जो लड़कियों को सीटी मारते हैं, तंग करते हैं, छेड़ते हैं, उनको कैसे सबक सिखाना है ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुझ जैसे लीचड़ आदमी के लिए ना मैं एक अकेली लड़की ही काफी हूँ। देखिए मैम, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, मैं तो शरीफ है। अच्छा तू शराफत की मूर्ति है, चल ठीक है, दिखा अपनी शराफत की आड़ी। ओए तू लड़की छेड़ रहा है यहाँ पे? रोमी मार के इसे थाने लेके चलते हैं। अबे खुले यार, मैं लड़की छेड़ो, तुम लोग तमाशा देख रहे हो, शर्म नहीं आती? रोमी छोड़ो, इसे थाने लेके चलते हैं, छोड़ो मार के। थाने क्या लेना है इसको, इसलिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। भाई साहब, मैडम ने कहा ना कि पुलिस स्टेशन जाके सॉर्ट करते हैं, तो वहीं चलते हैं। अच्छा है, डर गया, डर गया, मेरे डोरे देख के डर गया। ठीक है थाना चलना तेरे को, चल बेटा चल चल, तुझे दिखाता हूँ मैं। इंस्पेक्टर साहब, अरे मैडम जी, आपने उन्हें ऐसा क्यों पकड़ के रखा है?
सर ये लड़का रास्ते पे सीटी बजा रहा था, मुझे छेड़ रहा था। अरे हमें केस दर्ज करना है ईव टीजिंग का, अभी करो। ईव टीजिंग थोड़ी ना भूमि, मुझे छेड़ रहा था, हैरेसमेंट का केस। सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज करना है, करो। हेलो भाई साहब, क्यों अल्लाह मचा रहे हो? पुलिस स्टेशन है ये, थारा घर नहीं, समझे ना? सर जी, ये आदमी है ना, ये सड़क के किनारे सीटी बजा के मुझे छेड़ रहा था और फिर घूर रहा था और आर्ग्यू भी कर रहा था। अरे बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरे अंदर। हाँ ओए छोरे, ओ नवाब, मैं तेरे से कह रहा हूँ, शक्ल दिखा रहे? अरे सुनी नहीं के है? मैडम जी, हमारी नौकरी खाओगी के? सब वो गलती होगी, ये हमारे एसीपी साहब हैं। एसीपी जी हाँ, एसीपी अभिषेक सिंह। कंप्लेंट करने से पहले कभी कभी दूसरों की भी सुन लेनी चाहिए। सर और ये लीजिए मेरे शराफत का आईडी। देखा मीका सर वहां भी कितना बोल रहे थे, सर जी लड़कियां ना मतलब कुछ भी करती हैं, बाय गॉड। मैं एक्चुअली क्या है ना, मेरी भाभी की बहन है, इसलिए आपको पता ना थोड़ा सुनना पड़ता है। सर जी समझ रहे हो ना मेरी बात? आप सर जी एक्चुअली क्या है ना, ये ज्यादा हल्ला कर रही थी। मैं हद तक कह रही थी, कोई सीटी बजा रहा था मैंने सुना, और वो तो निकल गया। सामने खड़े इनोसेंट बंदे को आपने पकड़ लिया। लुक आई एम सॉरी। दैट्स ओके। वैसे आप जैसी तेज तरार लड़की की इस शहर को बहुत जरूरत है। अगर आपने सही इंसान को पकड़ा होता ना, तो जिंदगी में दोबारा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं करता। हाँ हाँ सर, कितने समझदार है सर, हम तो फरिश्ते हैं सर। सर कितने दयालु हैं, देख अभी तक तो इन्होंने मुझे माफ भी कर लिया होगा। सर जी मीका, तुमने माफी मांगी? आई सेड आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। और आप मिस्टर रिश्तेदार, थोड़ी ओवर एक्टिंग कम। वैसे मानना पड़ेगा आपकी भाभी की बहन की डांट तो बड़ी करा रही है। अगर हमारी विमेन सेफ्टी प्रोग्राम की अध्यक्ष बन जाए ना, तो हमारी काफी मदद हो सकती है। Look, I said I'm sorry, okay? चुप मेरे से पार्टी बदलू। रुक तो, चल चल। मैडम एक मिनट, ये लीजिए ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, अगर आपको दोबारा कोई तंग करे तो इस पे फोन कर दीजिएगा। देखे बिना काम कर। मेरे बच्चे मुझे अंदर फंसा दिया ना तुमने? माफ कर दे, मैं प्रोटेक्शन के लिए एसीपी को बोलूंगा। एसीपी साहब मुझे हवालात में बंद कर दो। चिढ़ाना बंद कर, चल अभी घर जा। मैं नहीं जाता। आई मीन घर वालों ने इतना सारा काम दिया करने को, ऊपर से भाभी का प्लस टू भी खुल रहा है ना आज, उनके साथ ट्रेनिंग भी तो जाना है। मैं भी चलूं? हां चलो, लेकिन हां नेक्स्ट टाइम कोई लड़का तंग करे ना मुझे मत बोलना। अक्का को बताऊंगी ना मेरे साथ क्या हुआ, तो बहुत हंसेगी। गंदा क्यों लग रहा है? वाइट सा। ये डेड स्किन है। स्वेलिंग भी चला जाएगा। ये स्वेलिंग भी चला जाएगा, आप फिकर मत कीजिए। थोड़ा सा मूव कीजिए। इज इट हर्टिंग? नहीं, नहीं थोड़ा सा पेन है। ऐसा करते हैं, सहारा लेके खड़े होने की कोशिश कीजिए। मैं क्या इस पे पैर पे प्रेशर डालूं अभी? Yes. So scared. थोड़े दिन इस पैर पे जोर मत दीजिएगा, नहीं तो फिर चोट लग जाएगी। अभी सपोर्ट बैसाखी का ही लो। हाँ हाँ। एक मिनट। हेलो, जी। मैंने कहा ना आपसे मैं आपके पैसे दे दूंगा, मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। क्या हुआ सर? हाँ बस अपना क्लिनिक खोलने के लिए जगह देख रहा था, और सब हो गया, कैपिटल चाहिए था।
लेकिन इंतजाम करने में टाइम तो लगता ही है, स्पेशली ईमानदार इंसान को। एक ईमानदार आदमी को एक नई जगह या नया बिजनेस खोलने के लिए बहुत सारे पैसे और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। बस उसी में दौड़ भाग करता रहता हूँ। आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प किया, आपको पता है? सच में? थैंक्स अ लॉट। एक मिनट, एक प्लीज। गुड, यू आर हियर। लिसन भाभी, अभी अभी आपका प्लास्टर खुला है, इतनी खुशी क्यों? अरे डॉक्टर ने मुझे प्लास्टर से फ्री किया, लेकिन पता है उस गंदे आदमी से फ्री हो जाएंगे। कौन आदमी? वही आदमी परब। अरे मैं बताती हूँ ना, रुक रुक रुक, एक मिनट। मीर, सुनो ना, अपने घर पहुंचे जल्दी से, हम आ रहे हैं। इट्स अर्जेंट। चलो चलो चलो, मुझे लेके चलो। हाँ, कैसी है तू? खुश है ना पुत्र? पता है सिमी, दुनिया वालों को बाहर से देख के लगता है भला फैमिली के बच्चे अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। टूटे हुए रिश्ते, तलाके, बच्चों की कस्टडियां, कोर्ट कचहरियां, सिर्फ यही रह गया इनके पास। अपनी गलतियों पे पर्दा डालते रहते हैं और दुनिया वालों से डरते रहते हैं। पर सिमी, सच्ची गल तो यह है, हम किसी से नहीं डरते, हम अपनी गलतियां मानने से भी नहीं डरते। पर पुत्र, जब बात आ जाती है ना बच्चों की, तब कलेजा फटने लगता है। वो बेचारे ऐवे चक्के में पिस जाते हैं। उस वक्त छोटी छोटी बातों से भी बड़ा डर लगता है। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, आप लोगों ने तो अपने बच्चों के लिए कितना कुछ किया है, हमें अच्छी एजुकेशन दी, हम सब कुछ सेटल किया, बाकी सब तो अपनी अपनी किस्मत होती है ना। नहीं सुनी, किस्मत भी बंदा आप ही बनाता है, तो आप ही बिगाड़ भी लेता है अपनी गलतियों से। इसीलिए मैं तेनों बोल रही हूँ सिमी, इस बार तू जो भी फैसला करी ना, बड़ा सोच समझ के करना। उसको तू चंगी तरह देख परख, उसे जान, उसे समझ। और तेनों अगर समझ ना आए ना, तो फिर तू किसी की ना सुनना, मेरी भी नहीं। तू बस वो कर जो तेनों चंगा लगे, तू खुश रह पुत्र, हमेशा खुश रहे। हाँ, एक दो दिन में मेरा पासपोर्ट आ जाएगा, बच्चों की वीजा हो गए, मेरी भी टाइम पे हो जाएंगे। किसी भी तरह बच्चों को लेकर मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। मैं अपने बच्चों को उस औरत के हाथ में नहीं रख सकती, नॉट एनी वे। या इट्स ऑल फिगर्ड आउट, सब हो गया है। मिहिर से मिलने आए। अरे भाभी, बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आइए ना। तो मैडम का पैर ठीक हो गया, पर ये सब यहां, एंड व्हाट आर दे अप टू? हाँ, नहीं, नथिंग, ऑल गुड। वाओ भाभी, ये कब? बस थोड़ी देर पहले ही निकल रहा है प्लास्टर। Fantastic, I'm so happy. Bhabhi, so great to see you walking. Thank you. मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। भाभी का। वैसे भाभी, आप फोन पे इतनी एक्साइटेड लग रही थी, क्या इमरजेंसी है? हाँ, का पूरे रास्ते कुछ नहीं बताया, क्या सस्पेंस है? मुझे तुम लोगों के एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। एक्चुअली तुमसे पूछना था कि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल की तो जरूरत पड़ती होगी, इनिशियल कैपिटल। Obviously, भाभी, you need a lot of capital. है ना? तो ये जो अपना परम है, इसने एक ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस शुरू किया है, इसके पास कैपिटल कहाँ से आया? क्योंकि पैसा तो था नहीं इसके पास, कोई बैकिंग नहीं है। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस पे क्रिमिनल केस चल रहा है, तो लोन भी नहीं मिल सकता है ना। ठीक बोल रहे हो भाभी, पापा से हमेशा वो दहेज मांगता रहा, उसकी खुद की फैमिली ने तो उसको पैसे दिए नहीं, तो पैसे कहाँ से आए उसके पास? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कोई धांधलीबाजी की है, या अरे अशोक से उसने पैसा तो नहीं लिया है? हाँ का, पर हम तो हमेशा अशोक से ना चेक साइन करवाता रहता था, और अशोक तो बिना देखे साइन कर देता था। भाभी, जिस तरह मीका कह रही है, अगर चेक्स इशू हुए हैं, then there is no problem. आप चाहते हैं तो मैं इन्हें रिकॉर्ड्स निकला देता हूँ,
सब कुछ सामने आ जाएगा। परम ने कितने पैसे अंदर किए हैं, विल गेट टू नो इजी। दैट्स ग्रेट, यही तो चाहिए हमें। ऑलराइट, अब देखना परम, मैं सिमी को डिवोर्स तुमसे कैसे दिलवाती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।